नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में एक और आपके नई भर्ती यहाँ पे निकलने वाली है। राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर भर्ती आ रही है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, ये जो भर्ती है ग्राम पंचायत स्तर पर, ये बिना किसी परीक्षा के ये भर्ती होने वाली है। यानी कि बिना परीक्षा आपको नौकरी यहाँ पे मिलेगी। कोई भी आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। मिनिमम पासिंग क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम अगर आप 8वीं पास हो तो भी आप ये फॉर्म भर पाओगे। उम्र सीमा यानी कि एज की बात करूँ तो 18 से 40 होती है और बहुत अच्छी है। तो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ देने वाला हूँ। नई भर्ती है आपकी, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर एक बड़ी भर्ती आपकी आ रही है, तो सारी डिटेल देख लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान की एक नई भर्ती है, ग्राम पंचायत स्तर पर ही आपकी नौकरी होने वाली है। यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो भी बिना किसी भर्ती परीक्षा के। यानी कि डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। कौन कौन से पद होंगे, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऑफिशियल इसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। पुरुष और महिला यानी कि मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, राजस्थान जल जीवन मिशन भर्ती के तहत आपकी भर्ती होने वाली है और ग्राम पंचायत स्तर पर होगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तकनीकी पदों पर ये भर्ती होने वाली है। एज की बात करूँ तो 18 से 40 मिनिमम आपकी एज मांगी गई है। यानी कि कम से कम 18 और मैक्सिमम 40, तो बहुत अच्छी एक एज क्राइटेरिया दे रखा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस एज के अंदर आते हैं। योग्यता की बात करूँ तो 8वीं 10वीं और ITI पास, तीनों के लिए यहाँ पे भर्ती है। 8वीं पास हो तो भी अप्लाई कर पाओगे, 10वीं पास हो तो भी अप्लाई कर पाओगे, ITI पास हो या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप ये वैकेंसी देख पाओगे। और इसके ऊपर अगर आपकी क्वालिफिकेशन है डिग्री वगैरह तो और भी अच्छी बात है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास है, ठीक है, 8वीं 10वीं और ITI पास, तो इनमें से काफ़ी क्वालिफिकेशंस आपके पास होगी। अब देखिए, बात करते हैं अगर पदों की, ठीक है, तो इसमें अलग अलग पद है। कौन से हैं? सहायक यानी कि असिस्टेंट की हो जाएगी, पंप ऑपरेटर की हो जाएगी, इलेक्ट्रिशियन की हो जाएगी, मोटर मैकेनिक की हो जाएगी, फिटर की, मिस्त्री की, अलग अलग पद है। और भी कुछ यहाँ पे पद निकल रहे हैं, बेसिकली यही पद होते हैं इसके अंदर। और बात करूँ ना ये भर्ती, तो ये भर्ती जो है जो जलदाय मंत्री जी है उन्होंने भर्ती के आदेश यहाँ पे दे दिए हैं। जो मैंने कहा था ना ऑफिशियल मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जयपुर जलदाय मंत्री ने की विभागीय बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा, बजट घोषणाओं की समयबद्ध प्राप्ति में कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। मंत्री कौन है? कन्हैयालाल चौधरी जी। उन्होंने खराब एवं बंद पड़े ट्यूबवेलों की समीक्षा की। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, रिक्त पद है, विभागीय पदोन्नति सहित विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की, ठीक है, और यहाँ पे रिक्त तकनीकी पदों को भरने की प्रक्रिया को भी शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो यहाँ पे आपका आ गया रिक्त पद का, विभागीय पदोन्नति होगी, पदोन्नति होगी तो रिक्त पद और हो जाएंगे, और रिक्त तकनीकी पदों को भरने की जो प्रक्रिया है उसको शीघ्र प्रारंभ करने के यहाँ पे निर्देश दे दिए हैं। यानी कि ये जो भर्ती है आपको कुछ ही समय में देखने को मिल जाएगी। अगर मोस्ट प्रोबेबली बात करें, अगस्त आपका एंड हो रहा है, ये 13 अगस्त का ही नोटिस है, ये आप देख सकते हो, 13 अगस्त की न्यूज़ है, तो हो सकता है कि ये जो वैकेंसी आपको सेप्टेम्बर में देखने को मिल जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, और जल जीवन मिशन के तहत ही आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, मैंने ये चीज़ कही थी आपको कि बिना किसी परीक्षा की होगी, तो बिना किसी परीक्षा की आपकी भर्ती होने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 8वीं पास 10वीं पास, ITI कुछ भी आपके पास होगा तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा, उसके तहत भी आपकी वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका एज क्राइटेरिया जो कि 18 से 40, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। असिस्टेंट के पद हो जाएंगे आपके, है ना, सहायक के हो जाएंगे, पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ITI जिन्होंने कर रखी है उनके लिए बहुत अच्छा मौका हो जाएगा। ठीक है, इससे हायर क्वालिफिकेशंस भी है तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आदेश मिल चुके हैं, भर्ती धरातल पे जल्दी आ जाएगी, सितंबर तक आप मान सकते हो भर्ती आ सकती है सितंबर, ज़्यादा ज़्यादा अक्टूबर में आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जैसे ही इस भर्ती की और कोई न्यूज़ आती है, फुल अपडेट आते हैं, वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। और अपडेट्स डेली पाने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना है। तो दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।